रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या, पहले लॉजिक समझाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। नाम से क्लियर है, वेलोसिटी को एक के कंपेयर में निकालना, दूसरे के कंपेयर में निकालना। जब एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अमंग द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लॉजिक क्लियर है? अगर मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको पहले देते हैं, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, आपको फिल करवाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से। दो कार है मान लो, कार नंबर ए, कार नंबर बी, ठीक है, दिस ए एंड बी। तो मैंने बोला इस कार का स्पीड मान लो 20 किलोमीटर पर आर और इस कार स्पीड मान लो है 15 किलोमीटर पर आर, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे समझने के लिए। उस पॉइंट को दिमाग में हमेशा के लिए ठूस ठूस के भर देना, उसके बाद कभी गलती नहीं होना चाहिए आपसे। पहला चीज, आप जिसके बारे में निकालने जा रहे हो, आप जिसके लिए निकाल रहे हो, ठीक है, एक काम करो, कभी डिस्टेंस रखो ही मत, दोनों को एक ही जगह पे लेके आ जाओ, फिर कंपेयर करो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए कौन आगे कौन पीछे है या किसका कितना वेलोसिटी है। मान लो सपोज करो ए के बारे में बोल रहे हैं, मैंने पूछा ए का स्पीड बी के रेस्पेक्ट में कितना है, ठीक है, तुम फील करो इस चीज़ को कि कार ए आपका 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, कार बी आपका 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो कार ए कार बी के बारे में क्या बोलेगा? तो मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट याद करने, ये रेस्पेक्ट में निकालना था। एक जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसके लिए पूछा जा रहा है, उसको सिंपल सा जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो। जीरो मतलब रेस्ट पे ला दो, उसको रेस्ट पे लेके आ जाओ। तुम बताओ रेस्ट पे लाने के लिए इसका 15 किलोमीटर पर आवर था, तो रेस्ट पे लाने कितना माइनस करना पड़ेगा? बोलो, अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, इसको रेस्ट पे आना है, तो कितना माइनस करोगे रेस्ट पे हो जाएगा? सर 15 जीरो होना चाहिए। इसका स्पीड अगर जीरो होगा तो क्या बोलोगे, रेस्ट पे है? यस सर। है ना? इसका जितना जितना स्पीड इसका माइनस करोगे, बेटा ध्यान देना, जिसका जितना स्पीड इसका माइनस करोगे सेम इसका ही माइनस करोगे। अब बताओ, अब जब रिलेटिव निकाल रहे तब उसकी बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या बोलोगे? वेलोसिटी बोलोगे 15 किलोमीटर पर आवर। बट रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे, मान लो ए के बारे में बोल रहा है, ए का स्पीड कितना बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ए का स्पीड को जीरो कर दो, इसको रेस्ट पे कर दो। तो इसको 15 से माइनस किए तो इसको भी 15 से माइनस करो। तो बताओ अब कितना हो गया कार ए का स्पीड और कार बी का स्पीड? कार ए का स्पीड जीरो हो गया तो कार बी का कितना हो गया? 5 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो कार ए एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, सुनना, कार ए बोल रहा है कि कार बी मेरे से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रहा है। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। बिकॉज हम अपने आप को कार ए के अंदर बैठा दिए, हम कार ए के अंदर बैठ गए। कार ए के अंदर बैठ के हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कार बी मेरे से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वही जो ग्राउंड पे बंदा बैठा होगा, मान लो रोड पे चल रही है गाड़ी, गाड़ी कहाँ चल रही है? रोड पे चल रही है। तो ग्राउंड पे बंदा बैठा होगा, वो क्या बोलेगा? बोलेगा कार ए सफा साफ साफ झूठ बोल रहा है। बोले कैसे झूठ बोल रहा है? मुझे दिख रहा है कार ए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और कार बी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। इसका मतलब ये हुआ कि योर आंसर कुड चेंज, आपका वैल्यू, आपका मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज कर सकता है, आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ, आप कहाँ से मेजरमेंट करने जा रहे हो। तो ऑल द गेम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन कहाँ पे, आपका रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपने मेजरमेंट कहाँ से किया। पूरा गेम इसी पे डिपेंडेंट है, आप मेजरमेंट कहाँ से करने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लॉजिक क्लियर यहाँ तक? बोलो, नहीं है तो बार बार बताएंगे, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर है। सब बच्चों क्लियर है? नीरज, आरजू, कविता, यस सर। अच्छा सुनना, मैंने बोला पूरा गेम कहाँ लाई करता है रिलेटिव वेलोसिटी का? पूरा गेम लाई करता है कहाँ पे, कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे चीजों को, आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है। अब जहां से ऑब्जर्व करोगे, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, आप जहां से ऑब्जर्व करो, डजंट मैटर यूनिवर्स से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्स से बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं कि रोड पे कर रहे हैं कि हम लोग कार में बैठ के कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हो उसका स्पीड को सिंपली सा जीरो कर दो। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ जो रोड पे बंदा बैठा था वो बोला कार ये साफ साफ झूठ बोल रहा है, केस कर दो उसके ऊपर। क्यों? मुझे दिख रहा है कार का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, मुझे दिख रहा है इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है।
कार है क्या बोल रहा है? कार है बोल रहा है, नहीं मेरा स्पीड जीरो है बट इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब कार भी मेरे से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रहा है, दौड़ रहा है। चलो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों सही है, कोई गलत यहाँ पे नहीं है। क्यों? इसलिए बिकॉज जब ये अपने आप को रेफरेंस पॉइंट पे किया, तुम बताना अच्छे से, जब अपने आप को रेफरेंस पॉइंट पे किया तो इस पर्सन का स्पीड कितना है, जल्दी बोलो। जीरो। क्या था इसका स्पीड कितना है? जीरो। ये ऑलरेडी रेस्ट पे है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में कार का स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। इसके रेस्पेक्ट में कार बी का स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब दोनों सही है, कोई गलत यहाँ पे नहीं है। तो सही तो गलत क्या हुआ? गलत कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ बस ध्यान रखना है कि जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, आप जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेकर चल रहे हैं वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, उसका स्पीड को जीरो कर देते हैं। दिस इज द बेस कॉन्सेप्ट, यही गेम है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब बाकी तो बस बहाना है, बाकी तो स्टोरी है, डेरिवेशन डेफिनेशन कुछ नहीं करना, वो सब चीज़ वो तो बुक में दे रखा, हम क्यों पढ़ाए फालतू चीज़ को? बुक में डेफिनेशन गिवन होगा ना, मैंने आपको बेसिक लॉजिक बता दिया, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब सारा गेम खत्म है आपका, पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। बस इतना ध्यान रखना सबको, जहां से ऑब्जर्व करोगे उसका स्पीड को जीरो कर दो, उसको रेस्ट पे लेके आ जाओ। अच्छा अब मान लो कार्बी पे जाके बैठ गए, बेटा लोग बताओ, मैं बैठ गया कार्बी पे, कार्बी क्या बोलेगा? तो मैंने क्या बोला, जीरो होना है कि नहीं होना? यस सर, जल्दी बोलो। जीरो होने के लिए कितना माइनस करोगे? जीरो होने के लिए कितना माइनस करोगे? तो 20 सब में माइनस कर दे क्या? अच्छा बताओ, इसमें 20 माइनस करेंगे, इसमें अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या बोलेंगे? इसका -5 किलोमीटर पर आवर, माइनस का 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये इसका कितना हो जाएगा? -20 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत? तो कार भी बोलेगा कि कार ए देखो चल रहा आगे की तरफ, ध्यान रखना क्वेश्चन में चल रहा कहां आगे की तरफ, पर कार भी क्या बोलेगा कि कार ए मेरे से 5 किलोमीटर पर आवर पीछे भाग रहा है और ये पर्सन मेरे से 20 किलोमीटर पर आवर पीछे दौड़ते जा रहा है। बट ऐसा है क्या? ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, बट जब रिलेटिव वेलोसिटी जब कंपेयर करना स्टार्ट किया वेलोसिटी को दोनों को, तो बोल सकते हैं ऐसा, बिकॉज ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया तो इसके बारे में बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर से पीछे भाग रहा है। बट एग्जैक्टली मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में तो आगे भाग रहा था ये, बट रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा नहीं 5 किलोमीटर पर आवर पीछे भाग रहा है। क्या लॉजिक क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा कार, और ये पर्सन के बारे में क्या बोलेगा? कार भी पर्सन के बारे में बोलेगा, तुम मेरे से 20 किलोमीटर पर आवर पीछे भाग रहे हो। या सुनो, बट रियलिटी में ऐसा हो रहा है क्या? बोलेगा नहीं, नहीं हो रहा है। तो ये कब हो रहा है? जब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट तब हो रहा है। अच्छा अब आगे देखते हैं, आपको ना आज हम जो पढ़ाएंगे बता रहे हैं आपको, लाइक आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर देंगे अच्छे से, प्लस इससे फ्यूचर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन ही छूटेगा आपसे, कि आपको वो लॉजिक पता चल गया, रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वेशन कहाँ से करना है, जहाँ से भी करना उसको जीरो कर दो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन देखकर चेक करते कि आप लोग चीज़ों को समझोगे कि नहीं। मान लो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक बच्चा के पास मान लो कुछ टॉय वगैरह है, ठीक है, कुछ टॉय वगैरह है मान लो, जिसके अंदर एक बच्चा यहाँ पे है मान लो, ठीक है, और ट्रेन दौड़ रही है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है, ये बच्चा अंदर दौड़ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, और ये पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो स्पीड बताना छोटू लोग सबका, ठीक है, ये पर्सन क्या बोलेगा, इस ट्रेन का स्पीड कितना है? ये बैठा है रेस्ट कंडीशन पर, वॉट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, कितना है? बोलो, क्या क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग क्वेश्चन समझ गए? आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। एक ट्रेन है, ट्रेन आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे मूव कर रही है, ट्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर एक बच्चा बैठा है, वो बच्चा बॉक्स को लेकर आगे दौड़ रहा है और उसका स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने पूछा कि ये पर्सन यहाँ बाहर खड़ा देख रहा है सब कुछ, तो पर्सन से पूछा गया बताओ ट्रेन का स्पीड कितना है, तो ये पर्सन क्या बोलेगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? सर बाहर वाला जो बाहर खड़ा है, पर्सन क्या बोलेगा ट्रेन के स्पीड के बारे में? सर 20 किलोमीटर पर आवर ही बोलेगा। 20 किलोमीटर पर आवर बिकॉज पर्सन का स्पीड कितना? 0 किलोमीटर पर आवर।
यस सर। ठीक है। अच्छा ये पर्सन इस बच्चे के बारे में क्या बोलेगा, बच्चे का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ रहे हो लोग? अरे सेम डायरेक्शन में जो ट्रेन का स्पीड होगा, ट्रेन का स्पीड प्लस इसका। अच्छा ट्रेन के अंदर ट्रेन में तो दौड़ रही है उसके हिसाब से। अगर बात देखो सुनो लॉजिक समझो, बहुत प्यारा लॉजिक यहाँ पे। अगर तुमने आंसर 12 किलोमीटर पर आवर दिया, ध्यान सुनना, ये बच्चा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो बच्चा तो पीछे छूट जाएगा, ट्रेन से नीचे गिर जाना चाहिए उसको तो। बट बच्चा ट्रेन से नीचे गिरेगा क्या? ट्रेन का आता है तुम्हारा अगर आंसर 12 किलोमीटर पर आवर आता है तो तुम्हारा आंसर गलत क्यों, इसको प्रूफ कर देते पहले। ट्रेन का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन तो आगे निकल गया, एक घंटे में ट्रेन पहुंच गया 20 किलोमीटर, तो एक घंटे में बच्चा कितना पहुंचेगा? 12 किलोमीटर। तो ट्रेन आगे है बच्चा पीछे, पॉसिबल है क्या? पहली बात नो सर। तो बच्चा ट्रेन के अंदर ही है ना, इसका मतलब बच्चे का स्पीड ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला उसका स्पीड जीरो कर लो, पहले करना पड़ेगा जीरो ना, इसका जीरो तो ऑलरेडी था। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? सेम डायरेक्शन में अगर इसके बारे में पूछा गया, दोनों के बारे में पूछा, एक साथ पूछा गया, और कहीं और से ऑब्जर्व कर रहे तो ऐड कर देना, छोटू यादव ने इस बात को। ठीक है, ये बात समझ गया? अच्छा इस पर्सन को, अब इस पर्सन को ट्रेन के अंदर बैठा दो, अब इस पर्सन से पूछा गया ट्रेन का स्पीड कितना, बताओ ट्रेन का स्पीड कितना, जल्दी बताओ। मेरा कॉन्सेप्ट यूज करो, कुछ मत करना उसके अलावा। मैंने क्या बोला, जिसके लिए ऑब्जर्व करोगे उसका स्पीड जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ? होना चाहिए। जब ये ट्रेन के अंदर बैठ गया, इसका स्पीड भी ट्रेन का स्पीड बराबर हो जाएगा क्या? इसका स्पीड भी हो जाएगा सर। क्या तो मैंने क्या बोला, जीरो होना चाहिए, तो जीरो करने के लिए कितना माइनस करोगे? 20 माइनस करोगे। क्या लॉजिक क्लियर है? जब 20 माइनस करोगे तो क्या 20 ट्रेन में माइनस करोगे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ट्रेन भी, तो इस जीरो स्पीड कितना हो गया, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पर्सन के लिए इस बच्चे का स्पीड कितना होगा? क्या सर? अब ये पर्सन बच्चे के बारे में क्या बोलेगा, बच्चे का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ये तो जीरो हो चुका है, जीरो हो गया तो सामने है ना। बात समझ गए? यस। ये लॉजिक क्लियर है हर बच्चे को? और क्वेश्चन दे रहा, क्या बोले कविता? मैं बोल रही हूँ एक क्वेश्चन और दे। हाँ दे, एक क्वेश्चन और देंगे, पर ये लॉजिक क्लियर है आपका? यस सर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्व के ऊपर, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे आराम से। मतलब क्वेश्चन कितना भी टिपिकल क्यों, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मेरा है कि अर्थ का स्पीड कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ है। ठीक है, अर्थ का स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1 लाख किलोमीटर मान लो, 1 लाख किलोमीटर पर आवर रिपल रिवोल्यूशन है, चलो पर आवर ले ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें अर्थ रोटेट होता क्यों नहीं दिखता हम लोगों को? अगर उसके पास स्पीड है तो रोटेट है तो क्यों नहीं? सर क्योंकि हम उसी के ऊपर हैं, और हमारे भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, हम भी उसी को बैठे हुए, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करते हैं, बट ऑब्जर्वर बाहर हो और दो ऑब्जेक्ट के अलग से निकालो तो प्लस करते हैं, तो क्या दोनों आपका सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो दोनों का स्पीड कितना हो गया? 1 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया? जीरो। इसलिए आपको अर्थ घूमता हुआ नहीं दिखता है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स जीरो। अब इसी क्या है ना, अगर इसको इसके रेफरेंस में देखना चाहते हैं तो इसको जीरो करें पहले, तो दोनों का स्पीड सेम है, तो इसको 1 लाख से माइनस करेंगे तो अर्थ को भी 1 लाख से माइनस करेंगे, तो जीरो हो गया। एक्चुअली में जीरो नहीं है, बट रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, जिसकी वजह से अर्थ में रोटेट होता नहीं दिखता है, रियलिटी में रोटेट होता नहीं दिखता है, बिकॉज क्योंकि हम उसी के ऊपर खड़े हैं। अगर मान लो आप यहाँ यूनिवर्स में पहुंच गए, मून पे पहुंच गए, मार्स से पहुंच गए, वहां से आपको अर्थ रोटेट होता दिखेगा, बिकॉज अब आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। क्या लॉजिक क्लियर है? अगर दो ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है,
एक का 20 किलोमीटर पर आवर, एक का 10 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नेट स्पीड कितना हो जाएगा, तो ऑपोजिट वाले को ऐड करना कितना हो जाएगा, ऑपोजिट वाले को ऐड 30 पर आवर। अगर मान लो दो ट्रेन है 20 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो दोनों का नेट स्पीड कितना हो जाएगा, तो सेम वाले को माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझे? यस सर। ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी से पता चलता है हम लोग को ये चीज की प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। एक खुली है, अच्छा ये पुली कैसे बनाया गया देखो, मतलब आप ना एकदम बेसिक से बेसिक पार्ट समझो कि हवा में नहीं बनाया गया, कैसे बनाया गया इस लॉजिक को समझते पहले, मतलब हर चीज़ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्यों आया कैसे आया इसी को समझते पहले। मान लो दो ऑब्जेक्ट था, दोनों ऑब्जेक्ट को थ्रेड से बांध दिए, ठीक है, इसको स्पीड दिए 5 किलोमीटर पर आवर, ध्यान सुना सब बच्चे, अगर इसके पास स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ क्या ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो पार्टिकल होगा क्या सबका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होगा, हर एक पॉइंट पे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा इसका? Yes, sir. इससे जो पार्ट कनेक्टेड है क्या उसका भी 5 किलोमीटर पर आवर होगा, क्या यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर होगा, क्या 5 किलोमीटर होगा, क्या यहाँ भी होगा, क्या यहाँ भी होगा, क्या यहाँ भी होगा, क्या ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगा नहीं करेगा, कब, जब दोनों कनेक्टेड होगा तब, यस और नो? तभी तो साथ चल पाएगा। आपको सिंपल एग्जांपल एक और देते हैं, मान लो बैग लेके दौड़ गए स्कूल, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि बैग पीछे रह गया आप आगे निकल गए, पॉसिबल है क्या? क्योंकि बैग से आपका तो आप जिस स्पीड से दौड़ोगे बैग भी सेम स्पीड से दौड़ेगा, तो जो स्पीड आपका वही स्पीड बैग का, बिकॉज कनेक्टिंग पॉइंट है, एक थ्रेड यहाँ पे कनेक्टिंग है, जो स्पीड मेरा वही स्पीड बैग का है, इन द सेम वे यहाँ बोल सकते हैं ना, जो स्पीड इस ऑब्जेक्ट का होगा सेम स्पीड इसका भी होना चाहिए साथ में चलने के लिए, यस और नो? Yes, क्या यहाँ पे किसी को डाउट है, किसी को लॉजिक में प्रॉब्लम है? एनीवन? नीरज, नीरज? नो सर। कोई बच्चा? आरजू? नो सर। आगे बढ़े, अच्छा तो मैं yes, इस थ्रेड को बीच में उठाएं, ठीक है, इस थ्रेड को पकड़े यहाँ पे हाथ से, ऐसे हाथ से पकड़े, उठा के इसके ऊपर रख दिया ऐसे, तो एक ऑब्जेक्ट इधर चला गया, एक ऑब्जेक्ट इधर चला गया, बोलो क्लियर है? अच्छा तो ये बताओ 5 किलोमीटर पर आवर्स कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है क्या? जा रहा है सर। ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है। अच्छा अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी क्वेश्चन देते हैं, कैसे समझना है? मान लो एक बहुत छोटा आप ना, मान लो 2 सेंटीमीटर आपका है, आप 2 सेंटीमीटर को मान लो, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए आप बैठ गए पुल्ली पे, यहाँ बैठ गए एक बार यहाँ बैठ गए, रस्सी पे बैठ गए, ठीक है, एक बार पुल्ली पे बैठ गए, एक बार रस्सी पे बैठ गए, एक बार ग्राउंड पे बैठ गए, 3 जगह बैठ गए, मैंने 3 जगह होकर बैठ कर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ जब 3 जगह पे हो गए तो तब ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। ये मान लो पोजीशन नंबर 1, ये मान लो पोजीशन नंबर 2, ये मान लो पोजीशन नंबर 3, सो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये मान लो ए, मान लो बी, बताओ ए और बी का स्पीड क्या होगा, ए का स्पीड, बी का स्पीड, ए का स्पीड, बी का स्पीड, ए का स्पीड, बी का स्पीड, जल्दी बोलो। और पोजीशन नंबर 1 यहां बैठे हो, ए का स्पीड कितना होगा? सर 5 किलोमीटर पर आ जाएगा। 5 किलोमीटर पर, वेरी गुड। बी का सर, बी का भी 5 किलोमीटर पर आ, गुड, वेरी गुड। पोजीशन नंबर 2 से बताओ सर, बी का 0 रहेगा, वेरी गुड। बी का, सॉरी हाँ, ए का, हाँ बी का 0 रहेगा ना, रस्सी बैठ गया इसका, मतलब ए का भी 0 होगा, सेम स्पीड आपका भी होगा, हाँ हाँ, बी का भी 0, बी का भी 0, पक्का? यस सर। जब ये देखो, जब यहाँ बैठे हो आप, तो आप ऊपर जा रहे हो ना, हाँ, और ये कहाँ जा रहा है? नीचे।
देखो जीरो मतलब रेस्ट कंडीशन पे, जीरो मतलब रेस्ट कंडीशन पे, इसका मतलब ये होगा आप फील करो इस चीज को, आप जब पीछे पलट कर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये मेरे से, मान लो ये मेरे से मान लो 1 मीटर दूर था, तो अभी भी कुछ दूर चलने के बाद भी 1 मीटर दूर ही रहेगा। हाँ लेकिन ये क्या होगा, ये 5 किलोमीटर ऊपर, ये 5 किलोमीटर नीचे, तो स्पीड क्या हो गया, बढ़ा घटा? सर बढ़ा। 10 हो गया ना सर। आपने सर आपने गलत मार्क कर दिया, वही कह रहा था मैं कि बी जीरो रहेगा। अच्छा ये यहाँ पे है क्या? हाँ सर वही तो कह रहा हूँ, बी जीरो रहेगा। ना ना ये यहाँ पे, बी यहाँ पे, अब बोलो। अच्छा ऐसा है, ठीक है ना, ठीक है सर, तब ए जीरो। हाँ, थर्ड पोजीशन बताओ, थर्ड पोजीशन ए कितना, बी कितना? 5 और 5 सर, दोनों सेम। ये बात समझ गए यहाँ पे सब बच्चे? यस सर। कि रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से स्पीड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हो तो स्पीड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ सर। वहां तक किसी बच्चे को डाउट है पूछ सकते हैं मेरे से? नहीं सर। आगे बढ़े। यस सर। अब ये बताओ, जब ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे चलना स्टार्ट करेगा तो इस थ्रेड का लेंथ बढ़ेगा कर दो? लेंथ तो हमेशा सेम रहेगा, लेंथ का जो पार्ट है, मान लो पूरा लेंथ आपका थ्रेड का, मान 2 मीटर या 5 मीटर का लेंथ था, ये आगे जाए या पीछे जाए, क्या 5 मीटर से बढ़ेगा घटेगा क्या लेंथ? ये लेंथ कांस्टेंट रहेगा हमेशा सर, पूरी स्ट्रिंग का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन साइड्स पे डिपेंड करता है, वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। अभी 5 मीटर का है, तो अगर मान लो ये नीचे आया ऊपर गया तो अभी 5 मीटर का ही रहेगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लेकर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, ध्यान सुनना। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो बोलेंगे जब ऊपर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ का लेंथ घटा, और जब नीचे चलना स्टार्ट किया तो यहाँ का लेंथ बढ़ा। या सुनो, कोई दिक्कत? अच्छा, तो आप यहाँ से अजम्पशन ऐसा ले सकते हो, जिसका लेंथ घटेगा बोलना स्पीड नेगेटिव है, और जिसका लेंथ बढ़ेगा बोलना स्पीड पॉजिटिव है। क्या लॉजिक लेगा? दो Yes. स्पीड को पॉजिटिव नेगेटिव कर, या तो रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड से लेकर चलो, ग्राउंड से लेकर चलोगे तो ये बोलोगे ये अर्थ की तरफ आ रहा है या अर्थ से दूर जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठना मेरे लिए आसान है क्योंकि यहाँ जब बैठेंगे तो हम लोग आराम से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है ना। जब यहाँ बैठे हुए दोनों का स्पीड कितना है, 5 5, यहाँ भी दिख रहा है 5 5, यहाँ दिख रहा है, तो क्यों ना पुली पे बैठ जाया जाए, तो पुली बैठ कर देखेंगे तो इसका स्पीड ही 5, इसका स्पीड ही 5, फर्क नहीं पड़ता हमें, करेक्ट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ घट रहा है, यहाँ का लेंथ बढ़ रहा है, तो घटेगा तो उसको नेगेटिव कर दिए, बढ़ेगा तो उसको पॉजिटिव कर दिया। क्या लॉजिक ले रहे हैं? अच्छा अब छोटू ये बोलना, ध्यान सुनना, ये मान लो पूरा एल लेंथ का वायर था, इस वायर को बीच में होल्ड किए, इसके ऊपर लटका दिए, हैंग करवा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? इस पुली को सपोर्ट दिए हुए यहाँ पे, ओके, ये आपको पता ही होगा, पुली को सपोर्ट दिए मतलब पुली मूव नहीं कर रहा है, अगर पुली मूव करेगा तो सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस लेंथ को L1 मान लें, इस लेंथ को L2 मान लें, बोलो कोई दिक्कत है तो? नहीं सर सही है। तो हम क्या बोलेंगे बोलो तो, L1, ध्यान सुनना, क्या L1 प्लस L2, अब कुछ लेंथ यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे है कि नहीं बताओ, यहाँ पे लेंथ है क्या? L1 प्लस L2 प्लस पाई आर, क्या पूरा L के बराबर है क्या? देखो तो, चेक करो तो। यस सर। क्या लेंथ कभी चेंज करेगा? L तो हमेशा सेम रहेगा, ये भी पाई आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसको इधर भेज दो, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L माइनस पाई आर होगा क्या? होगा। अच्छा आपको पता है कि लेंथ क्या एक टाइप का डिस्टेंस है, बिकॉज जब ये ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस वैल्यू चेंज करेगा, लेंथ वैल्यू चेंज करेगा, जब ये नीचे आएगा तो इसका लेंथ चेंज करेगा, डिस्टेंस चेंज करेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि L1 L2 कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बट L कांस्टेंट है, पाई आर भी कांस्टेंट है, बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को यहाँ पे?
एल वन चेंज करेगा, एल टू भी चेंज करेगा, कैसे? जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एल वन का लेंथ चेंज करेगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा मान लो यहाँ पहुंच गया तो आपका थ्रेड का लेंथ बढ़ गया, एल टू भी चेंज कर रहा है, बट ओवरऑल लेंथ कभी चेंज नहीं करेगा, पाई आर भी चेंज नहीं करेगा, मतलब ये कॉन्स्टेंट है। अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डी एल वन बाई डी टी टाइम के साथ, बिकॉज टाइम के साथ देख रहे बढ़ रहा है घट रहा है, प्लस डी एल टू बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ एल माइनस पाई आर बाई डी टी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ, किसी बच्चों को दिक्कत है बताओ, बताओ डी एल वन बाई डी टी का चेंज इन आपका लेंथ है क्या? क्या इसको वी वन बोल सकते हैं? जब डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर तो स्पीड मिलता है, स्पीड मिल गया, इसको वी टू बोल दें। अभी बताओ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते जीरो आता है कि नहीं आता, बताओ। तो बताओ वी वन इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी टू आया कि नहीं? मैं आपको थियोरेटिकली प्रूफ किया, मैंने आपको लॉजिकली प्रूफ किया कि एक्चुअली में स्पीड दोनों का ऑपोजिट देना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। हम जब ऊपर बैठ कर ऑब्जर्व किया यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ घट रहा है तो बोलेंगे पॉजिटिव, इसका लेंथ बढ़ रहा है तो बोलेंगे नेगेटिव, या फिर ऐसे बोल देंगे कि जब ये अर्थ से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, अर्थ की तरफ आएगा तो पॉजिटिव। अगर इसको वी वन इक्वल टू माइनस वी टू बोल सकते हैं तो क्या वी टू इक्वल टू माइनस वी वन भी बोल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों में से किसी को ले सकते हो, बस रेफरेंस पॉइंट को हमेशा आप कॉन्स्टेंट लेकर चलना, फिक्स लेकर चलना। तो हम यहाँ पे अगर मान लो पुल्ली पे बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसको लेकर चलेंगे, अगर ग्राउंड पे लेकर चलेंगे तो इसको लेकर चलेंगे। क्या लॉजिक ले रहे हैं कि वी वन इक्वल टू माइनस वी टू का मतलब क्या होगा? क्या यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है, यस और नो? नो सर। अगर फिर से इसको इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट कर क्या मिल जाएगा, ए वन इक्वल टू यस और नो? एक्सप्लेन कर दो। क्या बोले आरजू सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। एक बार और एक्सप्लेन कर दे। Yes, ये बोलो, ये समझ में आ गया, V1 आया, V2 आया, हाँ, 0 आया, समझ में आया क्या? No, sir. Differentiation class आप attend किए थे ना, बताया थे length को differentiate करते speed मिलता है। Yes, sir. ये object ऊपर चलना start करेगा तो time के साथ speed इसके पास है कि नहीं है? इसके पास कुछ speed होना चाहिए ऊपर जाने के लिए। Speed क्या define करता है? Speed define करता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो कितने टाइम में कितना लेंथ कवर कर गया, उसी को स्पीड बोलते हैं। किसी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि किसी टाइम के बाद स्पीड कितना है इसका, तो हम बोल सकते हैं किसी टाइम का स्पीड इसका वी वन है और इसका वी टू है, वही दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए माइनस साइन को हम लेकर चल रहे हैं। अब क्लियर है? यस सर। अब डाउट है आपको? नो सर। बोलो डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। देखो याद रखना आपसे, जहां भी आपको अब फिक्स दिख जाए इस तरह से, ठीक है, अगर कोई पॉइंट इसे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पीड जीरो है, तो इसका स्पीड जीरो तो ये भी कनेक्टेड, इस पुल्ली का स्पीड भी कितना हो गया, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ये भी आपका क्या है, फिक्स हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, तो हर पुल्ली का स्पीड यहाँ कितना दे रखा है बच्चा लोग? जीरो। अगर ये मान लो चार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो आपने अभी देखा कि अगर चार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है तो ये इसके अंदर चार किलोमीटर पर आवर स्पीड कब आया होगा, जब ये खींचना स्टार्ट किया होगा? Yes, sir. जब ये नीचे आना स्टार्ट किया होगा तभी तो मूव करना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ, देखो, लेकिन पुल्ली का स्पीड सबका जीरो है, जीरो है, इसका मतलब क्या ये ऐसा है क्या कि एक वायर लंबा लिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर, देखो तो अच्छे से, यहाँ दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिए, इसको भगाएं चार किलोमीटर पर आवर से, ये भी कितना हो जाएगा, यही है क्या? क्या यही सिचुएशन को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है क्या? देखो तो चेक करो तो। हाँ सर। बताओ
अरे बीच में सबका स्पीड जीरो ही है, तो ये खींचना स्टार्ट किया होगा 4 किलोमीटर पर आवर से, तो हर थ्रेड में स्पीड कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको नीचे जाना स्टार्ट किया होगा। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे? नो सर। एक बार फिर से बता दो। हाँ, नेटवर्क इश्यू का एक बार फिर से बता दो। ये बताओ, अगर मान लो बहुत बहुत बड़ा थ्रेड लिए और दो ऑब्जेक्ट को ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसको भगाएं 4 किलोमीटर पर आवर से, इसका स्पीड भी कितना होगा? 4 किलोमीटर पर आवर होगा ना। अब बीच में क्या किया, बीच में बहुत सारा पुल्ली लेकर आ गया, क्या फर्क पड़ेगा उससे? फर्क तब पड़ता है जब पुल्ली के अंदर स्पीड होता है, बट पुल्ली भी क्या है आपका, किसी फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है, किसी फिक्स पॉइंट से कनेक्ट है, मतलब पुल्ली का स्पीड जीरो है। जब पुल्ली का स्पीड सबका जीरो है तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्पीड इसका होगा वही स्पीड इसका ऑब्जेक्ट का भी होगा। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े हजारों से बच्चे ना, कॉपी कर लियो। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग दो, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत मिलता है आपको कहाँ पे, कंपटीशन एग्जाम में, कंपटेटिव एग्जाम में। इसको करने का बहुत शॉर्टकट तरीका समझाएंगे, फील कर लोगे चीज़ों को, मतलब कहीं रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आराम से कर लोगे। और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ा देंगे रिवर रिवर बोट बोट रिवर प्रॉब्लम, आज हम बस रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको याद रखना पड़ेगा ये पोर्शन, एक ट्रायंगल के अंदर आपको पता होना चाहिए, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3, ये 4, ये 5 होता है, करेक्ट? तो साइन 37 कितना होता है? 3/5। कॉस 37 कितना होगा? 4/5। 37 कितना होगा? 3/4। अगर ये 37 था, अगर ये 37 था, ये 90 था, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? 53 होगा। 53। बोलो, किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे है क्या? नहीं सर। 90 तो 53, 53 यहाँ पे था, तो बताओ कॉस साइन 53 कितना हो जाएगा? अब सर 4/5, बिकॉज 53 साइन 4 आ गया ना, कॉस 53 कितना होगा? 3/5। मतलब कल को नींद में पूछ देंगे आपको, किसी बच्चे को 3 बजे उठा के पूछ दे, फोन करके बताओ बेटा 10/37 कितना है, तो जवाब मिल जाना चाहिए, ऐसा आपका दिमाग में होना चाहिए, फिक्स क्लियर है? इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लो, हम क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे कॉपी। चलो अब देखते हैं डायरेक्टली। जहां जहां पूछेंगे सब बच्चे आंसर बताते रहना, अगर अच्छे समझना है इस टॉपिक को तो। देखो, सपोज करो बारिश हो रही, छोड़ो क्वेश्चन क्या आता, सुनना, क्वेश्चन आपका ऐसा पूछेगा छाता किधर ओपन करें, ठीक है? अगर बारिश हो रही है ना तो छाता किधर ओपन करें, समझना अच्छे से। अगर बारिश आपका ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है, डायरेक्टली नीचे, मतलब इसका आंसर मुझे लॉजिकली दोगे, सॉल्व करके नहीं देना है, फिजिक्स का भूल जाओ, रियल लाइफ को फील करो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ऐसे बारिश हो रही है, आप यहाँ पे बैठे हो स्टूल पे, मान लो ऐसे बैठे हो, ठीक है, यहाँ बैठे हो आप, तो बताओ छाता किधर ओपन करोगे? वेरी गुड, मतलब इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा क्या, ऊपर करेंगे कि नीचे, कोई ऐसा तो नहीं कर लिया छाता ऐसे ओपन कर देंगे साइड में, सपोज दीजिए छाता, अरे बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है, हो रही क्या बारिश, देखो तो हो रही बारिश, ले छाता ओपन कर दी, देखो बैकग्राउंड वाइट करना था, देखो वाइट करना है बैकग्राउंड, चलो इसको छाता ले देते हैं, देखो फिर से ब्लैक ही, हाँ रुक जाओ, देखो
बारिश हो रही है, ठीक है, मेरा छाता है, मुझे ओपन करना है, बताओ कैसे ओपन करेंगे? ऐसे ओपन करेंगे क्या? तुम बताओ, तुम यहाँ एंगल पूछेगा आपसे, बताओ कितने एंगल पे ओपन किए? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, एंगल हमेशा अर्थ के फ्लैट सरफेस से देखते हैं, फ्लैट सरफेस से छाता देखो एंगल कितना बना रहा है। सर 90। बहुत ही बढ़िया, 90। आपको जब भी एंगल देखना है छोटू, आपको जब भी एंगल देखना है तो कैसे देखना है आपको? अर्थ के सरफेस से, ऑब्वियसली बात है ना, छाता ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ओपन कर लोगे, करेक्ट? या फिर आप वर्टिकल से एंगल देखोगे, ऐसे छाता तो नहीं किया। अच्छा, छाता का एंगल आपने देखना, जब बारिश में चलते हो आप तो ऐसे चलते हो पकड़ के छाता, ऐसे है ना, छाता आप ऐसे पकड़ते हो कंडीशन में जब बारिश ऐसे आ रही है, आप रेस्ट पे हो, करेक्ट? लेकिन जब आप भी चल रहे हो, बारिश भी हो रही है बहुत तेज, तो छाता ऐसे पकड़ते हो दौड़ते हो, कभी ऐसे पकड़ते हो दौड़ते हो, ये सुनो, ऐसे क्यों नहीं किया कभी? क्यों नहीं किया? किया सर। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, बताओ छाता कितने एंगल पे ओपन करे, उसका वैल्यू कितना है, यही पूछेगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करना और कुछ नहीं करना, बिकॉज दो ऑब्जेक्ट है, एक आप जो छाता पकड़ रहे हो, एक रेन जो नीचे ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। हो सकता है, देखो जब आप बैठे थे, बताना अच्छे से, ध्यान सुना छोड़ो, बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, आप जब बैठे थे आपका स्पीड कितना था? जीरो। इसके पास स्पीड तो होगा ना, ये मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे, yes, sir. है कि नहीं स्पीड इसका, है ना? yes. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बोलेंगे, दिमाग में फिक्स करना, अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस स्टेटमेंट से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा सुना, स्टेटमेंट क्या है? आपको जब भी रिलेटिव वेलोसिटी लिखना होगा, उससे पहले दोनों का, दोनों लाइक रेन का और खुद का, दोनों का स्पीड वेक्टर के टर्म में लिखोगे, आई और जे कैप के टर्म में लिखोगे, चाहे वो सिर्फ जे कैप में हो चाहे सिर्फ आई कैप में हो, आपको दोनों फॉर्म में लिखना ही लिखना है। इसको दम गांठ बांध लो, दिमाग में ठूस के बढ़ लो इस चीज़ को, हमेशा दो फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? ध्यान सुनना, हम यहाँ पे साइड में आपको रेफरेंस के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, राइट में प्लस एक्स, लेफ्ट में माइनस एक्स, कहने का मतलब ये हुआ, राइट में आई कैप, पीछे माइनस आई कैप, ऊपर प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, बताओ किसी बच्चे को डाउट है इस रेफरेंस पॉइंट पे? नहीं सर। अच्छा ये बोलो, बारिश का रेन का स्पीड कैसा है, 40 माइनस जे कैप है कि नहीं है? अब प्लस जीरो आई कैप है कि नहीं है? यस सर। इस पर्सन का स्पीड क्या है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप है कि नहीं है? यस सर। दिक्कत, एक टर्म देखो यहाँ पे, हम कैसे बोलते हैं यहाँ पे, मैं बोला वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है? अगर अगर आप देखना चाहो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में, छोटे लोग, रेन का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बोलेंगे वी आर जी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मैन का स्पीड जीरो किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्या लॉजिक ले रहे हैं? और इसका जीरो कैसे बोल रहे हो? बिकॉज अर्थ का जो स्पीड होगा सेम इसका स्पीड होगा, इसलिए जीरो बोल रहे हो इसको। बात समझ रहे हो? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही तो निकाल रहे हैं। बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है छोटे लोग, 40 माइनस जे कैप है कि नहीं है, बताओ? yes. फिर माइनस साइन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, जीरो आई कैप है कि नहीं है? yes. बोलो, तो फाइनली कितना आंसर बचा बताओ, तो क्या फाइनली आंसर आपका माइनस 40 जे कैप बचा क्या? Yes, sir. उसको अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या बोलेंगे, रेन कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। बट रेन तो ऊपर जाता ही नहीं है,
तो कहाँ आएगा वो? नीचे नीचे आएगा। क्या लॉजिक ले रहे हैं? अच्छा एक बात और, एक बात और, अगर आपको पता चला, ध्यान सुना छोटे लोग, आपको पता चला रेन कहाँ रही है, जल्दी बोलना फटाफट, कहाँ आ रही है? नीचे। खाता कहाँ ओपन करोगे? जहां रेन आ रही जस्ट ऑपोजिट। ध्यान से छोटू, ध्यान सुनो। यस सर। अगर रेन नीचे आ रही है ऐसे, ठीक है, रेन ऐसे आ रही है नीचे, तो छाता कहाँ ओपन करेंगे? जस्ट उसके ऊपर, ऑपोजिट। सिंपल सी बात है, लॉजिक सी बात है, अगर रेन नीचे गिरेगा तो छाता जस्ट ऑपोजिट ओपन कर देंगे। तो रेन बताओ कि रेन एग्जैक्टली आपका एक्स के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे नीचे आ रहा है? कितने डिग्री पे नीचे आ रहा है? 90 तो छाते आपको समझ में आ गई? यस यस। हाँ ठीक है, बात समझ गए आप? अच्छा तो ये बात समझ गया ना कि एक्चुअली में आप देखो प्रैक्टिकली जब फील किए तो आपको पता चला रेन ऐसे आ रही है, छातों को डायरेक्टली ऐसे ओपन कर दिए। रेन के हमेशा ऑपोजिट ओपन करते हैं कि नहीं करते? अच्छा आपको कैसे पता चला रेन नीचे आ रही थी? इस तरह से पता चला बिकॉज रेन का स्पीड सिर्फ वाई कैप में था, आई कैप में यहाँ पे था भी नहीं। क्या लॉजिक ले रहे? अगर यहाँ आई कैप तो क्या बोलते हैं, रेन आपका सिर्फ वाई में नहीं आई में भी चल रहा है। क्या लॉजिक ले, क्या बोलना चाह रहे हैं? बात समझे ना? इससे मुझे पता चला माइनस का मतलब नीचे की तरफ और जे कैप का मतलब सिर्फ वाई में चल रहा है, नीचे की तरफ रेन आ रहा है, छाता डायरेक्टली हम ऊपर कर दिया ऐसे, पता चला 90 डिग्री है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान लो, ध्यान सुनना, अब मान लो बारिश, आपका हो बारिश हो रही है, बारिश का स्पीड मान लो सेम है, कितना ले, हाँ 40 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, ओके, एंड एंड पर्सन ऐसे भाग रहा है, ऐसे एक आदमी रोड पे दौड़ रहा है, छाता लेकर दौड़ रहा है, ठीक है, ऐसे दौड़ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ओके ना। क्वेश्चन है वो पर्सन छाता कैसे ओपन करेगा? भीग जाएगा, ओपन करेगा, भीगेगा तो नहीं। मैंने क्या बोला, आप दोनों का स्पीड पहले लिख लो अलग अलग, लिख लेते हैं, बताओ क्या लिखेंगे, 40 माइनस जे कैप, कोई दिक्कत? इसका क्या लिखा? इसका 40 माइनस आई कैप, कोई दिक्कत? ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखोगे, वी आर माइनस वी एम? क्या इसका मतलब यहां लिख लें, 40 माइनस जे कैप माइनस 40 माइनस आई कैप, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर आकर, बन जाएगा प्लस 40 आई कैप, अब माइनस 40 जे कैप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को? अच्छा तो आप बोलोगे सर इस बार रेन सिर्फ जे कैप में नहीं है, आई कैप में भी है और माइनस जे कैप में, कोई दिक्कत? अच्छा तो प्लस 40 आई कैप किधर दिखाएगा, राइट में दिखाएगा या सुनो, बोलते जाना छोटू, देखो आंसर निकालना सिखाते हैं, प्लस 40 आई कैप राइट में दिखाएगा, अब माइनस 40 जे कैप नीचे दिखाएगा, जब दोनों कॉम्बिनेशन हो तो याद रखना बारिश कहां और ये दोनों के बीच में, तो छाता किधर ओपन करेगा बेटा? बीच में। छाता कुछ पर्सन कहां ओपन करेगा? ऐसे अब फील करो ना, बारिश हो रही है ऐसे, आप तेज दौड़ रहे हो तो छाता ऐसे ओपन करोगे, छाता ऐसे ओपन करोगे, ऐसे ओपन करोगे, बोलो बारिश हो रही है सर, नीचे में ही करेंगे हो, तो दौड़ते हो छाता पीछे ओपन कर दोगे कि ऐसे ओपन करोगे? सर छाता आगे की तरफ, देखो यहाँ पे आगे की तरफ छाता ओपन हुआ कि नहीं, ऑब्वियसली वो छाता ओपन। अच्छा अब क्वेश्चन है कितना डिग्री से, तो डिग्री या तो हम वाई से निकालेंगे तो एक से निकालेंगे, तो अब याद रखना है इस पॉइंट को, जब भी आपको एंगल निकालना होगा, जब भी आपको एंगल निकालना होगा, एंगल निकालना टैन थीटा में जे कैप वाला पोर्शन और आई कैप वाला मैग्नीट्यूड दोनों को डिवाइड करना, जे कैप वाला मैग्नीट्यूड और आई कैप वाला मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, बताओ तो माइनस 40 पर माइनस 40 हुआ कि नहीं हुआ बेटा, सॉरी माइनस 40 प्लस 40 हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना आंसर है, 1 आया, बताओ टेन थीटा माइनस 1 आया,
टेन थीटा का आंसर कितने डिग्री पे वन आता है? 45 पे वन आता है. इसका मतलब ये हुआ ये -45 डिग्री से ओपन कर देगा छाता. यहाँ पे क्या बोलोगे? थीटा इक्वल टू -45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस. या फिर yes, sir. कितना बोलोगे? बोलोगे 135 डिग्री. है कि नहीं? 135 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज. बात समझ गए? डाउट है क्या? yes, sir. डाउट है? no. देखो अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या आएगा इसमें. एक क्वेश्चन पहले और प्रैक्टिस कर लो. पहले आप एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं. तो मान लो इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर जो नीचे की तरफ गिर रही है, और एक पर्सन मान लो ये दौड़ रहा है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, राइट में दौड़ रहा है मान लो इधर. तो बताओ छाता कितने एंगल पर ओपन करेगा? आंसर बच्चा जल्द फास्ट निकालो. देखो इसका कितना 20 माइनस जे कैप, इसका कितना 30 आई कैप. ठीक है, ये वाला माइनस ये वाला रेन माइनस ये करना है आपको, इतना ही करना है ना. तो 20 माइनस जे कैप और -30 प्लस आई कैप, और नेट रिजल्ट कितना आया? नेट आ गया -30 आई कैप और -20 जे कैप. मतलब दोनों नेगेटिव आया. दोनों क्या नेगेटिव आया? मतलब रेन चलेगा आपका. देखो दोनों नेगेटिव, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है कि नहीं है? तो रेन कहाँ होगा? बीच में होगा ऐसे. ये बात समझ गए? तो छाता किधर ओपन करेंगे? जस्ट ऑपोजिट. कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या लॉजिक ले रहे हैं? ठीक है, फास्ट आंसर निकालो. करो हमेशा रेन को मैन से माइनस कर दिया करना. हमेशा रेन को माइनस से करो. डायरेक्टली क्वेश्चन ये लिख दो हमेशा. आपको पता चल गया दोनों नेगेटिव. कौन सा क्वाड्रेंट? तो थर्ड क्वाड्रेंट. तो जो दोनों आएगा ना कोएफिशिएंट लिख लो हमेशा. कोएफिशिएंट कौन सा है आपको पता है ना? प्लस प्लस होता है ना, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, यही होता है. तो कोएफिशिएंट चेक कर लो क्या है. माइनस माइनस है कोएफिशिएंट हमारा. तो माइनस माइनस कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट. तो छात इसका मतलब जो आएगा वो रेन का डायरेक्शन है. अच्छा था उसका जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, तो आपको क्या करने बोले थे उसके बाद? टेन थीटा निकालने बोले थे. टेन थीटा कैसे निकालते हैं? जे वाला माइनस जे वाला कोएफिशिएंट अपॉन एक्स वाला कोएफिशिएंट. जे कोएफिशिएंट कितना है? 20 -20. एक्स वाला कोएफिशिएंट कितना है? -30. तो कैंसिल. कितना आ गया? टेन थीटा इक्वल टू 2/3 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू 2/3 लिखो, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3 लिखो. आंसर हो गया हमारा. आई लॉजिक क्लियर में? इसको इधर भेज दिए तो बन गया टेन इनवर्स 2/3. लॉजिक क्लियर है क्या करना आपसे? ये तो अब बिना किसी एंगल वाला क्वेश्चन. अब एंगल देते हैं, अब मजा आएगा ना क्वेश्चन में. देखो अब एंगल देते हैं. मान लो बारिश आपका हो रही है 37 डिग्री पे. कितना? 37 पर्सन दौड़ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये मान लो आपका हो गया 20 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने पूछा बताओ इसका स्पीड क्या होगा. अब सुनो एंगल कितना ओपन करे छाता पर. एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते कैसे करना होता है. ठीक है, जब भी एंगल आ जाए तो पहले क्या करो, उसको रिजॉल्व करो दोनों कॉम्पोनेंट में. तो 37 डिग्री कहाँ पे है? 37 डिग्री ये रहा, सॉरी एक्स के साथ है, सॉरी यहाँ पे. तो ये आपका हो गया 37 डिग्री, करेक्ट. तो जिसके साथ अटैच है बन जाएगा कॉस 37, है कि नहीं है? और जिससे अटैच नहीं क्या बन जाएगा? साइन 37. यस और नो? ये तो पता होगा. और उसका रेन का स्पीड कितना है? 20. दोनों में 20 मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सा. तो 20 कॉस 37 कितना होता है वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और 20 साइन 37 होता है वैल्यू कैलकुलेट कर लो. तो कॉस 37 कितना होता है देख के बताओ फटाफट. 4/5 होता है कि नहीं होता है? तो 20 × 4/5 कितना हो गया? 16. इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ लेफ्ट में 16 किलोमीटर पर आवर है. तो लेफ्ट में क्या होगा? माइनस आई कैप हुआ कि नहीं हुआ? Yes, और नीचे कितना है? 20 sin 37, मतलब कितना? 3/5. तो 20 × 3/5 कितना? 12 किलोमीटर पर आवर. मतलब नीचे की तरफ इसका 12 माइनस जे कैप है कि नहीं है बताओ. Yes, तो रेन का एक्चुअली स्पीड कितना आ गया? रेन का स्पीड आ गया 16 माइनस आई कैप और कितना? प्लस 12
माइनस जी, इसका कितना है मैन का 40 माइनस आई कैप है कि नहीं है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या बोले थे करने, रेन वालों को मैन से माइनस कर दो, पहले रेन का लिख लो पहले, तो कितना है 16 माइनस 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप और ये माइनस 40 आई कैप, बोलो कैलकुलेट करो कितना आ गया। तो माइनस 40 माइनस 16 कितना, माइनस 56 आई कैप हुआ कि नहीं हुआ, और ये माइनस 12 जे कैप हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो क्या दोनों माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? तो थर्ड में बारिश हो रही, छाता कहाँ ओपन करेगा? फर्स्ट में। तो बताओ टेन थीटा कितना, जे वाला अपॉन वाई वाला, जे वाला कितना माइनस 12 अपॉन कितना माइनस 56 कट गया, तो थीटा कितना हो गया टेन इनवर्स 12 बटा 56 आंसर हो गया, बात खत्म। क्या लॉजिक क्लियर है? तुम सोचो एक बार, बारिश ऐसे आ रही है आपकी तरफ, बारिश लैंड होकर आ रही है आपकी तरफ, आप दौड़ रहे हो आगे, तो छाता पीछे ओपन करोगे नहीं करोगे? वही तो क्या ओपन किया, देखो छाता पीछे की तरफ ओपन कर दिया। लॉजिक क्लियर है? अब मान लो बारिश हो रही है ऐसे 53 डिग्री पर्सन भाग रहा है आगे, इसका स्पीड मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ छाता किधर ओपन करे? कि आपको हमेशा क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखना है दोनों को, जैसे यहाँ पे सिर्फ आई कैप, यहाँ दोनों फॉर्म रिजॉल्व कर देंगे। फिर रेन वाले को मैन वाले से माइनस करना है, तो माइनस वाला जो माइनस का जो करने का जो आंसर आएगा वो चेक करो कोएफिशिएंट कितना है, उसे क्वाड्रेंट पता करो, तो वो जो क्वाड्रेंट निकले वो रेन का क्वाड्रेंट निकले, किस क्वाड्रेंट में आपका रेन आपका आ रहा है, बारिश हो रही है आपकी, जस्ट ऑपोजिट ओपन कर दो छाता को, तो छाता है तो फर्स्ट में ओपन होगा तो सेकेंड में ओपन होगा, और कहीं ओपन होगा नहीं, लाइक बारिश हो रही है छाता नीचे तुम्हें ओपन करोगे, या तो ऐसे ओपन करोगे इधर फर्स्ट या तो सेकेंड या तो बीच में ओपन करोगे, इतनी पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। उसके बाद जब आपका आ जाए फिर एंगल निकालना, एंगल कैसे निकालेंगे, जे कैप कोएफिशिएंट अपॉन आई कैप कोएफिशिएंट, इतना ही करना है, आंसर निकालो फटाफट। क्या लॉजिक? ठीक है, जब एंगल इस तरह बनाया तो राइट में जाएगा और नीचे आएगा, राइट में कितना होगा 30 कॉस 53 और नीचे कितना होगा 30 साइन 53, तो कॉस 53 कितना होता है 4/5 की 3/5 3/5 होता है ना, तो 30 3/5 कितना हो जाएगा 18, तो राइट में हो गया 18 आई कैप। अच्छा साइन 53 कितना होता है 4/5, तो 30 × 4/5 कितना हो गया 24, मतलब नीचे कितना हो गया माइनस, मतलब 24 माइनस जे कैप, इसका कितना है 40 आई कैप। इन दोनों को माइनस करोगे तो देख लो 18 माइनस 40 कितना हो गया माइनस 22, हो गया माइनस 22 आई कैप और ये माइनस 24 जे कैप, कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया बारिश, तो छाता कहाँ ओपन करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंगल कितना होगा 24/22, तो डायरेक्टली हुआ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 24/22, खत्म हो गया। क्या लॉजिक क्लियर है? बहुत ही शॉर्टकट होगा, आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहे होमवर्क के लिए, ठीक है आप लोग होमवर्क सॉल्व कर लेना, हो गया ना, समझ में आ गया, डाउट है किसी को? कल रेन वाटर प्रॉब्लम और कंटिन्यू करेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे करवाएंगे, आईआईटी में क्वेश्चन आ चुके वो करवाएंगे, मेडिकल में जो आ चुके वो करवाएंगे, और फिर कल ही आपका स्टार्ट कर देंगे रिवर वाटर प्रॉब्लम, वो और इंटरेस्टिंग और बढ़िया है, ठीक है। अब तो आप क्वेश्चन लिख लो फटाफट, मान लो 37 डिग्री पे और पर्सन भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ये 30 किलोमीटर पर आवर, बारिश हो रही है मान लो 53 डिग्री पे, पर्सन भाग रहा है पीछे 30 किलोमीटर पर आवर से, ये हो गया मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो ये पर्सन भी रखा हुआ है 37 डिग्री पे और बारिश हो रही है मान लो इधर 53 डिग्री पे, इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और पर्सन मान लो भाग रहा है बाइक से भाग रहा है मान लो, इसको ले लो 40 किलोमीटर पर आवर, सब कुछ सेम है आपको बताना है। तीन क्वेश्चन होमवर्क लिखो और नेक्स्ट क्लास में मुझे सबमिट करो,
और हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवर वाटर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर कुछ अल्टीमेट क्वेश्चन और करेंगे जो कंपटीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो जल्दी कॉपी करो, नेक्स्ट क्लास में।